हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दही के छोले। तो ये शादियों में हम जाते हैं, पार्टियों वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे दही के छोले हम खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं वो। तो आज मैंने सोचा मैं घर पे बनाती हूँ। तो ये मैंने दही लिया है, दही को मैंने ऐसे कपड़े में बांध के रख दिया था और देखिए सारा पानी इसका निकल गया है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो साथ ही मैंने धनिया ले लिया है, थोड़ी हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है, थोड़ा पनीर भी इसमें डालेंगे। तो चलिए इसको पहले मैं इसमें बाउल में डालती हूँ। देखिए दही को मैंने बाउल में डाल लिया है, अब इसमें ये पनीर कद्दूकस कर लिया वो मिक्स कर देंगे, साथ ही ये हरी मिर्च, ये प्याज ले लिया मैंने थोड़ा सा, साथ ही धनिया डाल देंगे और नमक, थोड़ा ये चाट मसाला और साथ ही ये काली मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड ले लिया मैं, ये इसको ब्रेड के मैं किनारे नहीं काट रही हूँ, इसको थोड़ा सा बेल लेंगे ऐसे करके ब्रेड को, दोनों साइड से बेल लेंगे, अच्छे से दबा के बेलना है। ये देखिए ठीक है। अब मैंने ये ब्रेड की वाली थैली ले ली है, इसको हम रखेंगे ऐसे, थोड़ा सा इसको गीला करेंगे पानी से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का गीला करना है। इसके बाद ये जो बैटर हमने बनाया है उसको थोड़ा सा बैटर लेंगे ऐसे, और ये इसमें ऐसे रख देंगे इसमें, ठीक है। अब इसको किनारे से ऐसे पकड़ के हमने ऐसे इसको रोल करना है, ये थैली से कस के ऐसे रोल करना है, ये देखिए, और दोनों तरफ से पकड़ के इसको प्रेशर से ऐसे दोनों साइड से दबा दबा के इसको ऐसे, ये देखिए, ये देखिए ये बन गया। ऐसे ही बाकी भी सारे बना लेने हैं। ये देखिए व्यूवर्स, सारे ये दही के छोले हमने सब बना के रख लिए, अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए पैन में, कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है, ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम, इसको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, ये तो एकदम से जल जाएंगे। अब हम एक एक करके इसमें इनको फ्राई कर लेते हैं।